और योजना आयोग की आज होने वाली पूर्ण बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। आयोग के दस्तावेज में 2012 से 2017 के दौरान 8.2% की औसत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। इस बैठक में सामाजिक क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले खर्चों में बढ़ोतरी का लेखा जोखा भी पेश किया जाएगा और गरीबी उन्मूलन और रोजगार सृजन के लक्ष्य को भी तय किया जाएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा कि 8% की औसत विकास दर के लिए सुधारों के सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। शनिवार को होने वाली योजना आयोग की पूर्ण बैठक में 12वीं पंचवर्षीय योजना को अंतिम मंजूरी दिए जाने की उम्मीद है। आयोग के दस्तावेज में 2012 से 2017 के दौरान 8.2% की औसत विकास दर का लक्ष्य रखा गया है। इस बैठक में सामाजिक क्षेत्रों के लिए किए जाने वाले खर्चों में बढ़ोतरी का लेखा जोखा पेश किया जाएगा और गरीबी उन्मूलन और रोजगार के सृजन आदि का लक्ष्य तय किया जाएगा। योजना आयोग के उपाध्यक्ष मोंटेक सिंह अहलूवालिया ने कहा है कि 8% की औसत विकास दर के लिए सुधारों के सख्त कदम उठाने जरूरी हैं। I don't expect growth to be as low as 5% in the current year. I think it'll be better. But nevertheless, for the kind of things we are targeting and the kind of recent experience we've had, the growth situation at the moment is disappointingly low. So the most important thing is to get the momentum of growth back. And the plan lays out that the short-term priority should be a revival of the growth momentum. उन्होंने कहा कि वैश्विक आर्थिक माहौल के मद्देनजर भारतीय अर्थव्यवस्था ने विकास दर और समावेशी विकास के लिहाज से बेहतर प्रदर्शन किया है। प्लान डॉक्यूमेंट आल्सो पॉइंट्स आउट दैट आवर रिकॉर्ड ऑन बोथ ग्रोथ एंड इंक्लूसिवनेस इज एक्चुअली क्वाइट गुड। आई मीन वी आर एंडिंग द 11th प्लान पीरियड विद अ ग्रोथ रेट ऑफ 7.9%। It's less than the target, but this was a period when you had two global crises, and it's second probably only to China in this period. Actually, what is not being recognized enough is that the record on inclusiveness is also good. 12वीं योजना में खेतीबाड़ी की विकास दर 4% और विनिर्माण क्षेत्र की विकास दर 10% तय की गई है। 11वीं योजना के मुकाबले चालू पंचवर्षीय योजनागत खर्चे में 135% की बढ़ोतरी की गई है। आयोग की मंजूरी मिलने के बाद इस मसौदे को कैबिनेट के समक्ष रखा जाएगा और अंतिम मुहर देश की सबसे बड़ी समिति राष्ट्रीय विकास परिषद लगाएगी, जिसमें सभी राज्यों के मुख्यमंत्री शामिल हैं। सिद्धांत सिब्बल की रिपोर्ट, DD News, दिल्ली।